Hey everyone, welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta and today in this video we are going to discuss the topic of UP Revenue Code 2006. Till now we have discussed various topics of UP Revenue Code. Uska ek separate playlist I have made and the link of that playlist is in description box. So isse pehle ke jitne topic hain agar aapko unko samajhna hai to aap playlist ko check out kariye aur un videos ko ज़रूर देखिए. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स. कैसे जो बाउंड्रीज हैं वो इरेक्ट की जाती हैं, कैसे वो मेंटेन की जाती हैं, कैसे बाउंड्री मार्क्स को फिक्स किया जाता है, उन्हें डिमार्क किया जाता है. ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क, यूपी रेवेन्यू कोड के चैप्टर 4 में एक्सप्लेन्ड है इन टोटल 9 सेक्शंस. सेक्शन 20 से सेक्शन 28 के जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने सेक्शंस हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताता है. हम इन सारे के सारे 9 सेक्शंस को डील करेंगे. डिटेल में स्टडी करने से पहले इनका एक जस्ट छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. सेक्शन 20 बात करता है द फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज. अच्छा, डिमार्केशन क्या होता है? डिमार्केशन मीन्स डिवीजन, डिमार्केशन मीन्स अ सेपरेशन. तो कैसे बाउंड्रीज का फिक्सेशन होता है, डिमार्केशन होता है. सेक्शन 21 द ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क्स. ठीक है, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है बाउंड्री मार्क्स को मेंटेन करने का, उन्हें रिपेयर करने का. सेक्शन 22 द डिस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, जब इन केस जो बाउंड्री मार्क्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, या फिर वो डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर कौन उसको ठीक करता है, कौन उसको ठीक कराने का ऑर्डर देता है, दैट सेक्शन 22 टेल्स. सेक्शन 23 द पावर टू रिक्वायर द इरेक्शन रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क्स. जो बाउंड्री मार्क्स वही ऊपर 22 में पड़ा कि डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनको ठीक कराने का, उसको रिन्यू कराने का जो पावर है वो किसके हाथ में है. सेक्शन 24 द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज, अगर बाउंड्रीज से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो किससे सेटल होते हैं. सेक्शन 25 राइट्स ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट्स, अगर किसी और की लैंड है, ठीक है, उसमें से कोई रास्ता जा रहा है या कोई ईजमेंट का राइट क्रिएट हो रहा है या क्रिएट होने के रिगार्ड में कोई डिस्प्यूट है, वो सारे राइट्स के बारे में सेक्शन 25 बात करता है. सेक्शन 26 बात करता है द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, अगर इन राइट ऑफ वे या राइट ऑफ ईजमेंट में कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बाधा है, ठीक है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा. सेक्शन 27 बात करता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर है उनकी क्या रिविजनल पावर्स होती हैं इन द केसेज ऑफ फिक्सेशन ऑफ बाउंड्रीज और बाउंड्री मार्क्स. एंड जो लास्ट सेक्शन है इस कॉन्सेप्ट का, सेक्शन 28, इट सेज अबाउट द ऑर्डर नॉट टू डिबार फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ ईजमेंट. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 20 से. अच्छा, सेक्शन 20 स्टार्ट करने से पहले बाउंड्री मार्क्स क्या होता है ये जान लेते हैं. सो द फिजिकल मार्क्स दैट डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ अ लैंड बाउंड्री. बाउंड्री मार्क्स वो फिजिकल मार्क्स होते हैं, वो फिजिकल कहते हैं ना कि चिन्ह होते हैं, चिन्ह जो कि लैंड बाउंड्री कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, ये मेरी लैंड है, ये मैंने उसमें एक मार्क बना रखा है बाउंड्री मार्क्स, इससे पता चल रहा है कि मेरी बाउंड्री, मेरी लैंड की लिमिट इतनी है और यहाँ से ख़त्म होके किसी और की, दूसरे की लैंड स्टार्ट हो रही है. दे आर यूज टू मार्क द बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टेट्स, द विलेजेस एंड ऑल्सो द लिमिट्स ऑफ प्राइवेट होल्डिंग्स. बाउंड्री मार्क्स जो हैं अलग अलग देशों के बीच में डिवीजन क्रिएट करने के लिए, उनकी बाउंड्री को डिनोट करने के लिए, स्टेट्स के बीच में, विलेजेस के बीच में, और यहाँ तक कि जो प्राइवेट होल्डिंग्स होती हैं, जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं उनके लिमिट्स को भी डिनोट करने के लिए बाउंड्री मार्क्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, समझ में आ गया होगा बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं. सेक्शन 20 द फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज. सो द बाउंड्रीज ऑफ ऑल द विलेजेस इन अ स्टेट एंड बाउंड्रीज ऑफ ऑल द सर्वे नंबर्स इन अ विलेज शैल बी फिक्स्ड एंड शैल बी डिमार्केटेड बाय बाउंड्री मार्क्स. यही बोल रहे हैं कि स्टेट के अंदर जितनी भी विलेजेस होती हैं उनकी बाउंड्रीज, विलेज के अंदर जितने भी सर्वे नंबर होते हैं उनकी बाउंड्रीज. आप पहले समझ लेते हैं कि सर्वे नंबर क्या होता है. देखो, सर्वे नंबर एक यूनिक नंबर होता है क्योंकि हर स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को असाइन किया जाता है. सर्वे नंबर इज़ अ यूनिक नंबर विच इज़ असाइंड टू एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड
प्रोवाइडेड बाय द सर्वे डिपार्टमेंट. कौन प्रोवाइड करता है यूनिक नंबर? सर्वे डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. किस लिए प्रोवाइड करता है? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए. उस लैंड से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स है, जैसे कि रिकॉर्ड में क्या क्या कि लैंड का लोकेशन क्या है, लैंड का साइज़ क्या है, लैंड का शेप क्या है, लैंड उस लैंड की ओनरशिप किसके पास है, उसका टेन्योर होल्डर कौन है, ठीक है. तो उसके लिए यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. तो यूनिक नंबर से यहाँ पे सर्वे नंबर से क्या मतलब है कि किसकी स्पेसिफिक लैंड है, उस सर्वे नंबर से आप डिनोट कर पाओगे ना कि उसकी लैंड है, ये ए की लैंड है, ये बी की लैंड है. तो उस सर्वे नंबर की बाउंड्रीज को भी डिनोट करने के लिए बाउंड्री मार्क्स फिक्स की जाएंगी, ठीक है. और उनको डिमार्केट किया जाएगा, उन्हें डिवीजन किया जाएगा, इस यहाँ से इसकी शुरू हो रही है, यहाँ पे इसकी ख़त्म हो रही है. फॉर दैट ऑल पर्पसेस बाउंड्री मार्क्स आर यूज्ड. सर्वे नंबर कहाँ कहाँ काम आता है? इट इज़ यूजफुल फॉर मेनी पर्पसेस, जैसे कि फॉर सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स अबाउट द स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड. अगर कोई ये ज़मीन किसकी है, उसमें कोई डिस्प्यूट है कि ये इसकी है, ए की है या बी की है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है, वो बोलता है मेरी है, ये बोलता है मेरी है. तो जब हमारे पास जो सर्वे नंबर जिसके पास होगा, यूनिक नंबर जो होगा उस लैंड का, उसे सब पता चल जाएगा, क्योंकि उस यूनिक लैंड नंबर के अंदर ओनरशिप को भी डिटरमाइन किया जाता है, राइट. इसके अलावा इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर लैंड, है ना. इट फैसिलिटेट्स सेलिंग एंड रजिस्टरिंग ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. तो ये है हमारा सर्वे नंबर. सेक्शन 20 कह रहा है कि एक स्टेट के अंदर सारे विलेजेस की बाउंड्रीज, एक विलेज के अंदर सारे सर्वे नंबर की बाउंड्रीज शैल बी फिक्स्ड एंड शैल बी डिमार्केटेड बाय द बाउंड्री मार्क्स, एंड सच बाउंड्री मार्क्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन एज पर द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड. और वो सारे बाउंड्री मार्क्स उस ढंग से, उस तरीके से कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किए जाएंगे जैसे कि इस कोड के अंदर, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसके तरह, ठीक है. तो समझ में आ गया सेक्शन 20 क्या है. नेक्स्ट सेक्शन 21, ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स. सो एवरी टेन्योर होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एंड टू रिपेयर एट हिज कॉस्ट द बाउंड्री मार्क्स इरेक्टेड इन हिज बिल्डिंग. यहाँ बोल रहे हैं कि सभी टेन्योर होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टेन्योर होल्डर कौन? द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द लैंड और द पर्सन हु अक्वायर द राइट टू होल्ड द लैंड, ठीक है. तो जो टेन्योर होल्डर है, जो लैंड का ओनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी होल्डिंग के कंटेक्स में, उसकी प्रॉपर्टी के कंटेक्स में जो भी बाउंड्री मार्क्स हैं उनको मेंटेन और उसको रिपेयर वो अपनी खुद के खर्चे पर करे. ये टेन्योर होल्डर की ऑब्लिगेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड रेस्ट अदर ऑल द बाउंड्री मार्क्स शैल बी मेंटेन एंड रिपेयर्ड बाय द ग्राम पंचायत एट इट्स कॉस्ट. उसके अलावा, उसकी मतलब किसी प्राइवेट होल्डिंग के अलावा, और जितने भी बाउंड्री मार्क्स हैं एक विलेज के अंदर, वो सारी मेंटेन और रिपेयर करने का जो ऑब्लिगेशन है वो है ग्राम पंचायत के ऊपर. ग्राम पंचायत अपने खर्चे पे जितनी भी अदर बाउंड्री मार्क्स हैं उन्हें मेंटेन और रिपेयर करेगा. तो सेक्शन 21 हमें बताता है ऐसे कि किसके ऊपर कैसी ऑब्लिगेशंस होती हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स, ठीक है. नाउ सेक्शन 22, इट सेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स. सो इफ एनी बाउंड्री मार्क विच इज़ लॉफुली इरेक्टेड इन द लेखपाल सर्कल गेट्स डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड और डैमेज्ड, देन द कंसर्न लेखपाल इज बाउंड टू रिपोर्ट द मैटर टू द नायब तहसीलदार. तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी बाउंड्री मार्क जो कि लेखपाल सर्कल में इरेक्टेड है, लॉफुली इरेक्टेड है. लेखपाल कौन था? हम सब ने पढ़ा था सेक्शन 16 के अंदर, ये एक रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि कलेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है. और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू अकाउंटेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अ विलेज. ये क्या काम करते हैं? दे प्रिपेयर द मेंटेन एंड करेक्ट द विलेज रिकॉर्ड एंड ऑल्सो परफॉर्म सच ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कई सारी जगहों पे इन्हें पटवारी भी बोला जाता है. उत्तर प्रदेश में इन्हें लेखपाल बोलते हैं. तो यहाँ ये बोल रहा है सेक्शन 22 कि लेखपाल सर्कल के अंदर जो भी बाउंड्री मार्क है, इन केस वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी कारण से, रिमूव हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेखपाल बाउंड है कि वो उसकी सभी रिपोर्ट, उस मैटर की, वो नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करें, नायब तहसीलदार को प्रोवाइड करें. एंड देन फर्दर नायब तहसीलदार शैल मेक द इंक्वायरी ऑफ सच रिपोर्ट एंड सबमिट द रिकमेंडेशन टू द सब डिविजनल ऑफिसर. तो अब जब नायब तहसीलदार के पास उस मैटर की सारी रिपोर्ट आ गई है, तो वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और उस इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट जो है वो SDO को सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद हिज रिकमेंडेशंस कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, कैसे बाउंड्री मार्क्स को क्या बोलते हैं मेंटेन किया जाएगा, ठीक है. ये सारी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट फाइनली SDO को सबमिट करते हैं.
सेक्शन 23 द पावर टू रिक्वायर द इरेक्शन रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क्स. तो अभी जो भी डिस्ट्रक्ट हो गए हैं या फिर जो नए बनने हैं उसके रिगार्ड में क्या है, तो सब डिविजनल ऑफिसर SDO मे रिक्वायर ग्राम पंचायत टू इरेक्ट रीस्टोर रिपेयर और रिप्लेस द बाउंड्री मार्क्स इन रिलेशन टू अ विलेज एंड मे रिक्वायर अ टेन्योर होल्डर इन रिलेशन टू हिज होल्डिंग. तो जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो उनके पास पावर है कि अगर वो किसी टेन्योर होल्डर की होल्डिंग का बाउंड्री मार्क है तो वो उसको ऑर्डर देंगे कि तुम अपनी बाउंड्री मार्क की तुम्हारे होल्डिंग का जो बाउंड्री मार्क है उसे इरेक्ट करो. इरेक्ट मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करो, अगर ख़राब हो गया तो रिपेयर करो, रिप्लेस करो या रिस्टोर करो. और अगर टेन्योर होल्डर की लैंड के अलावा बाकी जो भी लैंड है विलेज के अंदर उसके लिए वो ग्राम पंचायत को ऑर्डर देंगे कि वो उस बाउंड्री मार्क्स को अकॉर्डिंगली इरेक्ट रिस्टोर रिपेयर और रिप्लेस कराएं. क्लियर? यहाँ पे SDO की पावर को बताया गया है. सेक्शन 24 डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द बाउंड्रीज. अब बात करते हैं कि अगर बाउंड्रीज के रिगार्ड में डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर है. सो द सब डिविजनल ऑफिसर मे डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्री मार्क्स. तो यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर के पास पावर है कि वो बाउंड्री मार्क्स के रिगार्डिंग के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें डिसाइड करते हैं आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन. या तो वो खुद के मोशन पे, अगर उन्हें खुद लग रहा है कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या फिर यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं बाउंड्री मार्क्स के रिगार्ड में, तो वो खुद अपने मोशन पे भी सुओ मोटो भी एक्शन ले सकते हैं या फिर किसी इंटरेस्टेड पर्सन की एप्लीकेशन के बाद भी ले सकते हैं. ठीक है, बाय द समरी इंक्वायरी. इंक्वायरी क्या होता है, इन शॉर्ट ये वो ट्रायल्स होते हैं विच आर स्पीडली डिस्पोज विद द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर. बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना जितने भी अननेसेसरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको अवॉइड करते हुए स्पीडी डिस्पोजल किया जाता है ऑफ ऑल द लीगल एक्शंस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे मैप और ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजेशन. तो SDO कैसे डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट को, या तो जितने भी सर्वे मैप हैं उनके बेसिस पे, उसमें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन होती है लैंड के रिगार्ड में तो उससे भी पता लगा सकते हैं, या तो उसके बेसिस पे करते हैं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजेशन कि असलियत में पोजेशन किसकी है, एक्चुअल पोजेशन किसकी है उस होल्डिंग की, तो उसी हिसाब से बाउंड्री मार्क्स का भी डिस्प्यूट का जो है रिवाइवल हो जाएगा. तो उस बेसिस पे वो उसका इंक्वायरी करते हैं. इफ इन केस SDO इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच पार्टी इज इन पोजेशन. इन केस अगर SDO फाइनली डिसाइड करने में संभव नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल में किस पार्टी की पोजेशन में वो बाउंड्री मार्क आएगा, सो देन ही शाल, दो सर्कमस्टांसेस होंगी, एट फर्स्ट इंस्टांस असर्टेन बाय समरी इंक्वायरी हु इज़ द पर्सन बेस्ट एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी. सबसे पहले तो वो समरी इंक्वायरी करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन बेस्ट एंटाइटल्ड है. ठीक है, कौन कौन है जिसको ये इस प्रॉपर्टी का कहते हैं ना कि रियल हकदार है, एक्चुअल टेन्योर होल्डर है. एंड एट सेकेंड इंस्टांस शाल पुट द डिस्पोजेस्ड पर्सन इन पोजेशन एंड शाल देन फिक्स द बाउंड्री. उस और सेकेंड इंस्टांस में मतलब इनकेस फर्स्ट पहले तरीके से नहीं वहाँ पे भी आपका खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो डिस्पोजेस्ड पर्सन है मतलब जिसके पास लैंड नहीं है उस पर्सन को पोजेशन में, लैंड की पोजेशन में लाकर फिर फाइनली डिसाइड करते हैं, असर्टेन करते हैं कि बाउंड्री कौन फिक्स करेगा. ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट तो अल्टीमेटली बाउंड्री मार्क्स के रिगार्ड में ही हो रहा है ना. ठीक है, एवरी सच प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. ये जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑफ बाउंड्री मार्क्स जो कि SDO डिसाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी 3 महीने के विदिन, इसका लिमिटेशन पीरियड है 3 months, 3 months के विदिन कंक्लूड हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट से एप्लीकेशन मिली है SDO को या फिर जिस डेट से SDO ने अपने खुद के मोशन पर इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया है. एनी अग्रीव पर्सन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ SDO शैल अपील बिफोर द कमिश्नर. अगर कोई भी व्यक्ति SDO के ऑर्डर से, SDO ने जो असर्टेन किया है सारी इंक्वायरीज से, अगर उसके ऑर्डर से परेशान है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो फर्दर अपील कर सकता है बिफोर द कमिश्नर. ठीक है, और विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, SDO के उस ऑर्डर के 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर उसको कमिश्नर को अपील करना होगा. एंड द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर शैल बी फाइनल. यहाँ याद रखने की बात है कि कमिश्नर का जो ऑर्डर होगा फिर वो फाइनल होगा, उसके आगे फर्दर अपील नहीं लेकर कहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज. बहुत सिंपल सा है, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, किसके पास पावर है, किसके पास अपील जाएगी, क्या लिमिटेशन पीरियड है. ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 25 इट सेज द राइट ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट.
अच्छा ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट इज अ राइट टू यूज, राइट टू क्रॉस समवन एल्स प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी और की प्रॉपर्टी का यूज करना, किसी और की प्रॉपर्टी से क्रॉस होके जाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ईजमेंट का राइट. सो इन एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ रूट अराइज बाय विच टेन्योर होल्डर और एग्रीकल्चरल लेबर शाल हैव एक्सेस टू हिज लैंड, वेस्ट लैंड, पेस्चर लैंड, सोर्स ऑफ इरीगेशनल फैसिलिटीज, देन द तहसीलदार में डिसाइड द मैटर. मतलब डिस्प्यूट क्या है यहाँ पे? डिस्प्यूट ये है कि कोई किसी हो सके, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के घर के अंदर से एक गली जा रही होती है, एक रास्ता निकाला गया होता है और वो कई सालों से चला आ रहा होता है, वहीं से गांव वाले अपने जो जो चारा चारागाह होता है, मतलब जो पेस्चर लैंड होती है जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को चारा चरवाने वगैरह जाते हैं, ठीक है, या जो वेस्ट लैंड होती है वहाँ जाते हैं, अपने इरीगेशनल फैसिलिटीज़ के पर्पसेस के लिए जाते हैं, वहाँ पे तालाब जाते हैं या फिर अपने खेत होते हैं, तो उस रास्ते से होके जाते हैं, ठीक है, तो वो कई वर्षों से चला आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जो जिसके लैंड में वो जो रूट है वो जा रहा होता है, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती ना, आज तक कोई इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया होता है, तो फिर वहाँ पे उनका राइट ऑफ ईजमेंट बन जाता है वो, है ना. आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट. तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट रूट के रिगार्ड में अराइज हो रहा है जिससे टेन्योर होल्डर या एग्रीकल्चर लेबरर होके गुजर रहा है टू हिज लैंड और वेस्ट लैंड, टू हिज पेस्चर लैंड और टू हिज सोर्स ऑफ इरीगेशनल फैसिलिटी, तो उस डिस्प्यूट में क्या होगा? तहसीलदार ऐसे मैटर को सेटल करता है, डिसाइड करता है. यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बाउंड्री मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट था डिस्प्यूट का 24 में और वहाँ पे थी SDO के पास पावर. यहाँ पे बात हो रही है राइट ऑफ वे और ईजमेंट के डिस्प्यूट की, तो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं तहसीलदार. सो तहसीलदार में डिसाइड द मैटर एज पर द प्रिवेलिंग कस्टम एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड ही मे डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टेकल. तो जो तहसीलदार हैं वो पार्टीज़ के कन्वीनियंस के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे मैटर को डिसाइड करते हैं और अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो उस ऑब्स्टेकल को जो बाधा बन रहा है उस राइट ऑफ वे, राइट ऑफ ईजमेंट का, उसको भी रिमूव करने का डायरेक्शन दे सकते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ तहसीलदार, ठीक है. सेक्शन 26, अब यही इसे कॉन्टिन्यू हो रहा है ये रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टेकल, ये बहुत आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा. 25 पढ़ेंगे ना, उसके लास्ट पॉइंट को ही 26 कंटिन्यू कर रहा है, द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल. सो इफ तहसीलदार फाइंड्स एनी ऑब्स्टेकल इन द फ्री यूज ऑफ पब्लिक रोड और फ्री यूज ऑफ कॉमन लैंड ऑफ विलेज और सोर्स ऑफ वाटर, देन ही मे डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टेकल एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ सच रिमूवल फ्रॉम द पर्सन कंसर्न. तो अभी अगर तहसीलदार को लग रहा है कि जो ऑब्स्टेकल है कहीं ना कहीं लोगों की, जो गांव के अंदर जितने लोग हैं उनके पब्लिक रोड में रास्ते में जाने में ऑब्स्टेकल बन रहा है, कॉमन लैंड जो है विलेज की उसमें उसके फ्री यूज़ में ऑब्स्टेकल बन रहा है, या सोर्स ऑफ वाटर जो उनका पानी का स्रोत है, तालाब हो या नदी हो या फिर कोई कुआं हो, ठीक है, वो उसका फ्री यूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, तो जो तहसीलदार है वो ऐसे किसी भी ऑब्स्टेकल को, ऐसे किसी भी बाधा को हटाने का निर्णय दे सकता है और उसको रिमूवल में जितना भी कॉस्ट लगता है वो जो भी कंसर्न पर्सन है उससे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है. सेक्शन 27, द रिविजनल पावर्स ऑफ SDO. तो देखिए 25 और 26 के अंदर जो तहसीलदार के पास पावर है राइट ऑफ वे ऑफ राइट ऑफ ईजमेंट के मैटर को डिसाइड करने का और ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का, डिसाइड करने का, उस पावर को जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो सेक्शन 27 के अंदर क्या कर सकते हैं, मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड, उसको चेक कर सकते हैं, उसकी लीगैलिटी को चेक कर सकते हैं कि जो ऑर्डर्स दिए हैं वो लीगल बेसिस पे ही दिए गए हैं, ठीक है, कोई बायस तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो उसको ऑन कॉल रिकॉर्ड बुला सकता है ऑफ एनी केस जो कि डिसाइड हुआ है बाय तहसीलदार अंडर सेक्शन 25 और 26 टू चेक और इंश्योर इट्स लीगैलिटी एंड मे पास सच ऑर्डर्स एज ही थिंक्स फिट, ठीक है, और वो फर्दर वो ऑर्डर्स पास करेंगे जो उनको ठीक लगेंगे. बट नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर. लेकिन ये भी यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड है कि जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी ऑर्डर्स पास करने हैं, वो उस ऑर्डर के जो ऑर्डर्स तहसीलदार ने दिए हैं उसके 30 days के विदिन ही एंटरटेन किए जाएंगे, उसके बाद उसको नहीं डील किया जाएगा या उसको नहीं ऑन रिकॉर्ड कॉल अप किया जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया 25 और 26 की जो पावर्स है तहसीलदार की, उसको 27 रिवाइज करता है, उसको ऑन रिकॉर्ड बुलाता है और उसको इंश्योर करता है उसकी लीगैलिटी को, ठीक है. लास्ट सेक्शन है दोस्तों हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का, दैट इज सेक्शन 28. क्या कहता है जल्दी से देखते हैं और ख़त्म करते हैं इसको. ऑर्डर नॉट टू डीबार एनी राइट ऑफ ईजमेंट.
So no order made under this chapter shall debar a person from establishing his such right of easement which he may claim by a civil suit. तो debar का क्या मतलब होता है? Debar मतलब exclude करना या prohibit करना. तो यहाँ बोल रहे हैं कि इस chapter के अंदर चाहे SDO कोई order दे रहा है, चाहे तहसीलदार कोई order दे रहा है, चाहे commissioner कोई order दे रहा है, उनके कोई भी order किसी भी person को debar नहीं करता है, उन्हें prohibit नहीं करता है. किससे? From establishing his such right of easement which he may claim by civil suit. कि वो अपने अगर उनका easement का right है उसको वो establish करना चाह रहे हैं by a civil suit, तो वो ऐसा कर सकता है. कोई भी इस chapter का order उस right को, उसके उस right को, उसके उस claim को debar नहीं कर सकता, उसे exclude या prohibit नहीं कर सकता. ये section 28 बताता है. बहुत easy था सब कुछ दोस्तों. और अगर आप लोग गाँवों से belong करते हैं तो ये आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं connected हो गया है समझने के लिए. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा. कोई डाउट है भाई तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछना है. कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में देना है. आई विल ट्राई टू ऐड अप दैट अगर वो रेलेवेंट होगा तो. ठीक है, नोट्स के लिए क्या करना है? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट वी वांट द नोट्स. सो फॉर नोट्स देयर आर टू सिंपल प्रोसीजर, बहुत सिंपल से हैं. पहला है कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है lawvita_80. ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा होगा. तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, वहाँ पर आप मुझे नोट्स के लिए पूछिए, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, दूसरा अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हैं तो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, उस पर आप मुझसे मेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, देन आई विल रिवर्ट यू बैक. ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपका नोट्स का. तो नोट्स पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो गया है. बस बहुत सिंपल हो गई है पढ़ाई, बस इसको एक बार पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, एग्जाम में छक्के फट्टे नंबर टॉप करना है. ठीक है, सो टिल देन एवरीवन, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए खुद का, एंड आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.